वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉट वेदर कंक्रीटिंग। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग का ये जस्ट ऑपोजिट है। देखो हमारे तीन टॉपिक्स आ जाते हैं इसमें, हॉट वेदर, कोल्ड वेदर और अंडर वाटर कंक्रीटिंग होती है हमारी। ये हमारे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तीन है ये तो, और अंडर वाटर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब लेकिन हमारी ये जो वीडियो हमारी हॉट वेदर कंक्रीटिंग पे है, तो हम शुरू करते हैं कि हॉट वेदर कंक्रीटिंग क्या होता है। देखो एनी ऑपरेशन ऑफ कंक्रीटिंग डन एट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर अबव 40 डिग्री, मतलब कि जो हमने कोल्ड वेदर में करा था वो हमारा 5 डिग्री था, लेकिन जो हमारा हॉट वेदर है वो हमारा 40 डिग्री से ज़्यादा है। तो और वेयर द टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी बियॉन्ड 40 डिग्री, या तो फिर जहाँ पे हमने कंक्रीट प्लेस करना है वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारा हॉट वेदर कंक्रीटिंग आता है। अब कंक्रीट इज नॉट रिकमेंडेड टू बी प्लेस एट ए टेम्परेचर अबव 40 डिग्री विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशंस। यही मैंने अपने कोल्ड वेदर अपनी कंक्रीटिंग में भी बताया आपको कि आप 5 डिग्री से कम में विदाउट प्रिकॉशन आप यूज कर ही नहीं सकते, एज स्पेसिफाइड इन IS 7867 Part 1 1975। ये हमारा कोड है, IS कोड जो हमारे होते हैं सबको पता, आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आगे, द क्लाइमेट फैक्टर्स अफेक्टिंग कंक्रीटिंग हॉट वेदर आर हाई एम्बिएंट टेम्परेचर एंड रिड्यूस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द इफेक्ट्स ऑफ विच मे बी मोर प्रोनाउंस विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। देखो ये सब कुछ बताया हुआ है कि क्लाइमेट फैक्टर क्या क्या चीज़ें होती है हमारी इसमें, कि एक हाई एम्बिएंट टेम्परेचर रिड्यूस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, और जब अगर तो ये इफेक्ट तो है ही है, लेकिन जब विंड वेलोसिटी भी शुरू हो जाती है वो भी हमें दिक्कत देती है हॉट वेदर कंक्रीटिंग करने में। अब हम इसके कुछ इफेक्ट्स पढ़ते हैं और रिकमेंडेड प्रैक्टिस पढ़ते हैं, जैसे कि हमने कोल्ड वेदर में पढ़े थे। और अब हमारे जो इफेक्ट्स है, अब हॉट वेदर की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। देखो पहला है एक्सेलरेटेड सेटिंग टाइम। एक्सेलरेटेड सेटिंग मतलब कि जैसे हम अपना मिक्स बनाते हैं तो वो फटाफट सूखना शुरू हो जाता है, या फिर अगर हमने अभी प्लेस करा भी नहीं, अभी हम ट्रांसपोर्ट ही कर रहे हैं थोड़ा सा अपनी, चाहे एक जगह पे हमने मिक्स बनाया चाहे दूसरी जगह तक लेके जाना है, चाहे वो 10 कदम का रास्ता ही क्यों नहीं हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ से सेट होना शुरू हो जाता है। देखो अब हाइयर टेम्परेचर रिजल्ट्स इन अ मोर रैपिड हाइड्रेशन लीडिंग टू एक्सेलरेटेड सेटिंग, ये मैंने आपको समझा दिया, दस रिड्यूसिंग द हैंडलिंग टाइम ऑफ कंक्रीट ऑल्सो लोअरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड एंड कंक्रीट। मतलब जो हमारा हैंडलिंग टाइम है वो कम हो जाएगा, प्लेस वगैरह करने का सोचने समझने का कम हो जाएगा, और हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड एंड कंक्रीट है वो भी कम हो जाएगी एक्सेलरेटेड सेटिंग टाइम की वजह से। देखो इसे हैंडलिंग टाइम को ही हम वर्केबिलिटी बोल देते हैं। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेज एंड हेंस द वाटर डिमांड इंक्रीजेज। वाटर डिमांड भी अब ज़्यादा चाहिए क्योंकि अब फटाफट सूख रहा है तो वाटर भी चाहिए। इन द टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट इन द इंक्रीज टेम्परेचर, ये आपको मैंने बता दिया। द एडिशन ऑफ वाटर विदाउट प्रॉपर एडजस्टमेंट इन मिक्स प्रोपोर्शन एडवर्सली इफेक्ट द अल्टीमेट क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। देखो अब हमने एक मिक्स बनाया, ठीक है ना, अब इस लाइन का मतलब समझा रहा हूँ आपको। जैसे आपने मिक्स बनाया, ठीक है, वो सूख रहा, आपने फिर से पानी डाल दिया, थोड़ा सा सूख गया प्लेस करने से पहले फिर से पानी डाल दिया, तो हमारे मिक्स प्रोपोर्शन वो ख़राब कर देता है, तो उससे हमारा क्या होता है, वो अफेक्ट करता है हमारी अल्टीमेट क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, तो उसको अफेक्ट करता है, तो वो हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करें ये चीज़ करना। अब इट इज़ बी रिपोर्टेड एट एन अप्रॉक्स 25 mm डिक्रीज इन स्लम्प हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम 11 डिग्री इंक्रीज इन कंक्रीट टेम्परेचर। मतलब कि जब जो हमारा कंक्रीट टेम्परेचर होता है अगर वो 11 डिग्री से ऊपर होता है तो हमारा 25 mm डिक्रीज कर जाता है स्लम्प में, मतलब कि जो 25 mm है हमारे वो स्ट्रेंथ कम हो जाती है इसमें, तो वो हमें ध्यान से देखना पड़ता है। एक्सेलरेटेड सेटिंग टाइम पे सब डिपेंड करता है हॉट वेदर में। अब अगला आता है हमारा रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। अब रिडक्शन इन स्ट्रेंथ क्या होता है देखते हैं। कंक्रीट प्रोड्यूस्ड एंड क्यूर्ड आर एलिवेटेड टेम्परेचर जनरली डेवलप्स हायर अर्ली स्ट्रेंथ देन नॉर्मली प्रोड्यूस कंक्रीट। देख रहे हो ना कि कंक्रीट जो हमारा हॉट वेदर में होता है वो जल्दी स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है, मतलब कि जल्दी स्ट्रेंथ पा लेता है वो, बट द इवेंचुअल स्ट्रेंथ आर लोअर। मतलब कि देखो जो पहले हमने स्ट्रेंथ डाल ली, जैसे इस डायग्राम में दिखाया, देखो कैसे टूट गया, ये समझो अगर हमने बहुत जल्दी हमने उसने स्ट्रेंथ कर ली, लेकिन हमने तो बिल्डिंग को देखो 5 साल चलाना है 10 साल चलाना है, तो वो वहाँ जाके हमारी इवेंचुअली वहाँ जाके हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जो कि हमारे हॉट वेदर की वजह से होती है। रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ साइमल्टेनियस रिडक्शन इन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट इज सीन दैट स्पेसिमेंस मोल्डेड एंड क्यूर्ड इन एयर एट 23 डिग्री। ये थोड़ा मैं आप स्टैट्स का बता रहा हूँ, देखो 23 डिग्री एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एट 38 डिग्री एंड 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी अटेंड ऑफ ओनली 73% एंड 62% रिस्पेक्टिवली। मतलब कि देखो इसमें क्या बताया हुआ है कि हमारे रिड्यूस कितनी हो जाती है क्यूड इन
हमारी 73% से 60% पे आया था हमारा जब हम 23 डिग्री पे कर रहे हैं, और जब 62% से हमारा 25% पे आया था जब हम 38 डिग्री पे कर रहे हैं। तो इतना फर्क पड़ जाता है टेम्परेचर की वजह से, जो हमारे उस पर ह्यूमिडिटी, हमारा जो हमारा रिडक्शन करता है ना, जो हमारा ये हाई अर्ली स्ट्रेंथ ही सारे इस पर डिपेंड करता है। अब इन कंपेरिजन विद द स्पेसिमेन विच आर मॉइस्चराइज्ड, ये मैं आपको समझा दिया। अब ये सारे मॉइस्चर एट 23 डिग्री सेल्सियस फॉर 28 डेज, ये देखो परसेंटेज कितनी कम हो जाती है, 73 से 60 हो जाती है, 62 से 25। अब हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन ग्रेटर इवेपोरेशन एंड हेंस इन सेसेस इंक्रीज ऑफ मिक्सिंग ऑफ वाटर कंसिक्वेंटली रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ। वो ये कि ज़्यादा पानी डालोगे आप, जो हमें चाहिए भी नहीं उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हमारा मिक्स सूख रहा है तो हमारी रिड्यूस कर देगा स्ट्रेंथ। वो आपको सब जनरल नॉलेज है, ये सारा कुछ जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता है, सब आपने देखा हुआ है, सब आपको ही पता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो आप ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं लिखी हुई है एक अच्छी बुक से उठाई हुई है मैंने, कोई भी रिलेवेंट नहीं है। तो आप एक अपने कोई क्वेश्चन आंसर्स कर दो तो आप उसमें भी ये सब यूज कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो आप ये देख सकते हैं, इसमें जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है ना, आप नोट करना चाहते हो तो आप करते रहना साथ में। तो हमारा अगला पॉइंट आता है देखो, इंक्रीज टेंडेंसी टू क्रैकिंग, वो भी पता ही आपको कि क्यों होता है। रैपिड इवेपोरेशन लीड्स टू प्लास्टिक श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड सब्सिक्वेंट कूलिंग ऑफ हार्ड एंड कंक्रीट इंड्यूसिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस। इसमें क्या मतलब होता है, देखो जो क्रैक्स कैसे डेवलप होते हैं, देखो एक तो रैपिड इवेपोरेशन की वजह से, और जब हॉट से एकदम कोल्ड में होते हैं तब हमारे जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाते हैं वो हमारे ये क्रैक्स डेवलप करने में वो होते हैं, रीजन होते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन द एम्बिएंट टेम्परेचर, रेट ऑफ ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड कंक्रीट टेम्परेचर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इस पर हम आपको ध्यान देते रहें। और रैपिड इवेपोरेशन ड्यूरिंग क्यूरिंग, अब जो हम क्यूरिंग करते हैं, एज द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कैन टेक प्लेस ओनली इन वाटर फिल्ड कैपिलरीज, इट इज इम्पेरेटिव डेट लॉस ऑफ वाटर बाई इवेपोरेशन फॉर टू कैपिलरीज बी प्रिवेंटेड। देखो अगर हम टेम्परेचर जो हम कंक्रीट कर रहे हो, अगर हम वाटर फिल्ड कैपिलरीज में कर रहे हैं तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी इवेपोरेशन। फर्दर मोर वाटर लॉस्ट इंटरनली बाई सेल्फ डेजिग्नेशन हैज टू बी रिप्लेस बाई वाटर फ्रॉम आउटसाइड। देखो जो कि हमारा वाटर लॉस जो हमारे उसके कंक्रीट मिक्स से खुद से हुआ है वो हमें भी रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब वो लॉस हमें प्रॉफिट में करना पड़ेगा, जो हमारा लॉस हुआ है हमें वो भरना पड़ेगा बाई वाटर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से वाटर डालने का, ठीक है ना। रैपिड इनिशियल हाइड्रेशन रिजल्ट्स इन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पोर्स रिमेनिंग अनफिल्ड। देखो अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो गया तो वो ना वॉइड्स फिल कर देता है, वॉइड्स रह जाते हैं, मतलब ये पोर्स रिमेनिंग अनफिल्ड लिखा हुआ है सामने, दिस लीड्स टू लोअर स्ट्रेंथ। अब देखो ए कुछ इस तरह होगा, ठीक है ना, ये अच्छे से बना, ए कुछ ऐसे को होएगा, ये कुछ ऐसे को, ये कुछ ऐसे को, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ कम होगी ना, वो चीज़ में बताई गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट मुझे मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ आ गया, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से थोड़ा रिपीट करना वीडियो, दोबारा से देखना, दो बार सुनोगे तीन बार सुनोगे आपको समझ आ जाएगा। अब आगे के डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग द एयर कंटेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है। देखो डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग द एयर कंटेंट एट हाईर टेम्परेचर, इट इज मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल एयर कंटेंट इन एयर एंट्रेंट कंक्रीट, जो कि जिसमें कंक्रीट में हमारी एयर आती है हमें वो बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। दिस एड्स टू द डिफिकल्टी ऑफ कंट्रोलिंग वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी में कमजोरी आ जाती है कि हम ज़्यादा अच्छे से सीमेंट चिपकता नहीं, वो नहीं होता। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ एयर एंटरिंग एजेंट, हॉट कंक्रीट एंट्रेंस लेस एयर देन डज कंक्रीट एट नॉर्मल टेम्परेचर। वो ये कि एयर एंटरिंग एजेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हॉट कंक्रीट पे लेस एयर हो जाती है एंट्रिंग में और बहुत वॉइड्स फिल हो जाते हैं जो कि हमारे एक नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता। तो ये वो था डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग द एयर कंटेंट। ये देखो ये जो एयर एंटरिंग एजेंट है ये हम टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स में भी पढ़ेंगे, तो वो मैं वीडियो बहुत जल्द आपको ये डालने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स, उसमें आप सारे टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स आप देख सकते हैं कैसे क्या हेल्प करते हैं सीमेंट करने में कंक्रीट में। तो अब हमारा अगला आता है रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस आप क्या समझते हैं कि मतलब कि अब हॉट वेदर का हमने ये तो समझ लिया कि क्या इफेक्ट्स है, अब हमने ये भी तो करना है ना कि हम कैसे कर सकते हैं हॉट वेदर, क्योंकि आपको जब इंजीनियर बनना है तो आप पर ही सब ये चीज़ें आएंगी। तो अब सबसे पहले क्या होता है टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स। देखो इसमें क्या होता है, देखो आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स का, जो भी हम इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, ठीक है, एग्रीगेट्स वगैरह डाल रहे हैं। सीधी हिंदी में मैंने ये समझाया, अब इंग्लिश में देखो आप इतना बड़ा पैराग्राफ बन जाएगा जो कि आपको लिखना ज़रूरी है एग्जाम में मार्क्स के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं क्या मतलब है इसमें, द टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट कैन बी कैप्ट डाउन बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, ये मैं आपको बता सकता हूँ। द एग्रीगेट्स मे बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट सनरेज बाय इरेक्टिंग टेम्परेरी शेड्स और शेल्टर्स ओवर द एग्रीगेट स्टॉक पाइल। देखो जहाँ पे सीमेंट्स वगैरह रखा है, एग्रीगेट्स वगैरह रखा है, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े तो आप शेड्स वगैरह डाल सकते हैं।
वाटर कैन ऑल्सो स्प्रिंकल ऑन द एग्रीगेट बिफोर यूजिंग देम इन कंक्रीट, मतलब कि पानी भी आप छिड़कते रह सकते हैं बिफोर यूसेज ताकि उसका टेम्परेचर ठीक रहे. द मिक्सिंग वाटर हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 0.1 इज नियरली 5 टाइम्स दैट ऑफ कॉमन एग्रीगेट 0.22. मतलब कि हमें पानी पे ज्यादा इफेक्ट, पानी पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है मिक्सिंग वाले पे एग्रीगेट के कम्पेयर, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ वाटर पे हमारा जो मिक्सिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा लोअर होता है कम्पेयर टू जो हमारे एग्रीगेट्स होता है. और मोर ओवर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज ईजियर टू कंट्रोल देन दैट ऑफ द अदर इंग्रीडियंट्स. अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर कैन बी मोस्ट इग्नोर्ड बी कंट्रोल बाय मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और मिक्सिंग विद द क्रस्ट आइस. ये भी आप कर सकते हैं कि क्रस्ट आइस वाटर की जगह क्रस्ट आइस यूज कर सकते हैं, या फिर ये देखो ये नाइट्रोजन गैस से भी आप कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन गैस ये इसमें डाल रहे हैं ताकि नाइट्रोजन गैस की वजह से जो हमारा गर्म हुआ हुआ कंक्रीट मिक्स वो हमारा ठंडा हो जाए. अब आगे बढ़ते हैं हम प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स. अब इसमें देखो आप ये कंक्रीट मिक्स को हमें कैसा का बनाना है ताकि वो हॉट वेदर को वो कर सकता है, मतलब कि वो झेल सकता है. द मिक्स शुड बी डिजाइन टू हैव मिनिमम सीमेंट कंटेंट कंसिस्टेंट विद अदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, एज फार एज पॉसिबल सीमेंट विद लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन शुड बी प्रेफर्ड. देखो इसमें क्या आगे प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट मिक्स में सीमेंट विद लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन हमें यूज करना पड़ेगा. सीमेंट विद लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन ये सारा आप पढ़ते रहना अच्छे से, ये आपको लिख लें तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये. टू दोज हैविंग ग्रेटर हार्डनेस एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन यूज ऑफ वाटर रिड्यूसिंग और सेट रिटार्डिंग एडमिक्सचर. देखो मैं एडमिक्सचर आपको अलग से एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा रिटार्डिंग एडमिक्सचर वगैरह, उसमें सब एडमिक्सचर आ जाएंगे. तो एक बार आप यहाँ पे पढ़ लीजिए कि क्या होता है यूज ऑफ वाटर रिड्यूसिंग और सेट रिटार्डिंग एडमिक्सचर इज बेनिफिशियल, जो कि हमारा वाटर रिड्यूस कम मत नहीं होने के लिए एडमिक्सचर यूज होता है. एक्सेलेटर शुड नॉट बी यूज अंडर दिस कंडीशन. देखो एक्सेलेटर तो आप यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही हमारा एक्सेलेटेड हो रखा है हमारा सेटिंग टाइम, ऊपर से आप एक्सेलेटर यूज कर दो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. अब प्रोडक्शन एंड डिलीवरी. देखो द टेम्परेचर ऑफ एग्रीगेट वाटर एंड सीमेंट शुड बी मेंटेन एट द लोएस्ट प्रैक्टिकल लेवल्स सो दैट द टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट इज बिलो 40 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट. द टेम्परेचर ऑफ एग्रीगेट वाटर एंड सीमेंट शुड बी मेंटेन, मतलब जो हमारा सारा मोरम मटीरियल होगा वो हमें अच्छे से मेंटेन करके रखना है ताकि हमारे 40 डिग्री पे वो कम होए प्लेसमेंट पे. द टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट एट द टाइम ऑफ लिविंग द बैचिंग प्लांट शुड बी मेजर्ड विद अ सुटेबल मेटल क्लैड थर्मोमीटर. ये आप याद कर सकते हैं मेटल क्लैड थर्मोमीटर से हम उसको मेजर उसका टेम्परेचर हम मेजर करना पड़ेगा निकलने से पहले. द पीरियड बिटवीन मिक्सिंग एंड डिलीवरी शुड बी कैप्ट इन एफ्लुएंट मैक्सिमम बाय कोऑर्डिनेटिंग द डिलीवरी ऑफ कंक्रीट विद इट्स स्टेट ऑफ प्लेसमेंट. मतलब जो हमारा जब हमारा बैचिंग से हमारा जब घर पे मतलब वहाँ पे आता है साइट एरिया पे आता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वहाँ पे आते सर हमें देखो अगर तो टेम्परेचर कम है तो फटाफट यूज करो और उस पर प्लेस कर दो, अगर तो टेम्परेचर कुछ ज्यादा हो गया तो हम उसे थोड़ा सा उसका कम करना पड़ेगा. तो ये था इस पॉइंट में लिखा हुआ. अभी हमारा आखिरी फैक्ट है, देखो आखिरी रिकमेंडेड प्रैक्टिस है सॉरी, प्लेसमेंट एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट. मतलब कि इसमें क्या बताया हुआ कि हमें ना ज़्यादातर ना रात में हमें ये करना पड़ सकता है कंक्रीट, या फिर जब हमारा थोड़ा टेम्परेचर कम हो तभी हम कंक्रीटिंग कर सकते हैं. इसमें ये बताया द फॉर्मवर्क रिइंफोर्समेंट एंड सबग्रेड शुड बी स्प्रिंकल विद कूल वाटर जस्ट बिफोर द प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट. वही कि जब भी आपको कंक्रीटिंग करनी है हॉट वेदर में तो आप उस पर वाटर छिड़क दें जहाँ पे आपने कुक करनी है ताकि वो थोड़ा कूल हो जाए और अच्छे से हमारी कंक्रीटिंग हो पाए. द एरिया अराउंड द वर्क शुड बी केप्ट वेट टू द एक्सटेंट पॉसिबल टू कूल द सराउंडिंग एरिया इंक्रीज. जैसे कि समझो ये एरिया है तो आपको यहाँ पे ना पानी स्प्रिंकल करते रहना चाहिए ताकि यहाँ पे जो हमारी विंड होगी ना वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, जो कि जमीन से हमारी जो गर्म गर्म हवा तपा निकलती है ना वो, तो वो नहीं निकलेगी और हमारी थोड़ी सी टेम्परेचर थोड़ा सा तो कम होगा तो उससे हमारा ये अच्छे से कंक्रीटिंग हो जाएगी. Immediately after compaction, the concrete should be protected to prevent the evaporation of moisture by means of wet gunny bags, hessians, etc. मतलब जैसे ये ऐसे कंस्ट्रक्शन हमने कर ली तो इसके ऊपर गिले गिले ये जो पड़े हैं ना गनी बैग्स है ये जो हमारे जूट के बने होते हैं जूट क्लोथ के, तो वो हमें फटाफट गिले करके इसके ऊपर रख देना चाहिए ताकि हमारा मॉइस्चर बना रहे उसमें. आफ्टर द कंक्रीट हैज अटेंड अ डिग्री ऑफ हार्डनिंग सफिशिएंट टू विदस्टैंड सरफेस डैमेज मॉइस्ट क्यूरिंग शुड बी बिगिन. अब जैसे ही हमारा एक सीमेंट अच्छे से हार्ड हो गया मतलब प्री हार्डनिंग उसने कर लिया अब हार्डनिंग हो गई तो क्यूरिंग हमें बहुत अच्छे से करनी है. हाई वेलोसिटी विंड्स कॉज हाई रेट ऑफ वेपोरेशन हैंस विंड ब्रेकर शुड बी प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल. इफ पॉसिबल द कंक्रीटिंग कैन बी डन ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट्स. वही है कि देखो हाई वेलोसिटी तो देखो होएंगी होएंगी तो हमें ट्राई करना है कि कोई हम ब्रेकर वगैरह लगा सकें
ताकि हमारी विंड हमारे कंक्रीट पे ना डले, और हमें पॉसिबल करना है कि अगर हो सकते, वैसे मोस्टली आजकल फॉरेन वगैरह एरिया में तो मोस्टली नाइट शिफ्ट में काम होता है, तो वो अब आप नाइट शिफ्ट में भी कर सकते हैं, ताकि नाइट में, क्योंकि रात को टेम्परेचर थोड़ा कम होता है कम्पेयर टू डे। तो ये थे हमारे कुछ रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस और ये हमारे कुछ इफेक्ट्स थे। इससे हमारा पूरा समअप हो जाता है हॉट वेदर कंक्रीटिंग। हॉट वेदर कंक्रीटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होप, मुझे लगता है कि आप कुछ ये अच्छे से वीडियो समझ आएगी। अगर अच्छे समझ आ गई तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सिविल इनसाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।